नंबर एक। गाइस, क्या आप भी अपने एलेक्सा डिवाइस को अपने बेडरूम में रखते हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि लंदन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने यह दावा किया है कि इस तरह के वॉइस एक्टिवेटेड गैजेट्स आपकी पर्सनल बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंपनी तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस बात को एलेक्सा डिवाइस बनाने वाली अमेज़न कंपनी ने भी माना है, लेकिन साथ ही उसने अपनी सफाई में यह भी कहा है कि एलेक्सा फीचर सिर्फ उनकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज के डिवाइस में ही एक्टिवेटेड है और इसका कस्टमर के एलेक्सा डिवाइस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गाइज, यहाँ सवाल ये उठता है कि हमें ये कैसे पता कि हमारे एलेक्सा डिवाइस में ये फीचर एक्टिवेटेड है या नहीं है? तो इसीलिए गाइज, सतर्क हो जाइए और एलेक्सा के सामने कम से कम ऐसी खोजी नोटी बातें तो मत ही करिएगा। नंबर दो। अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी FBI एलोन मस्क के पीछे पड़ गई है, क्योंकि उनके पास अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से जुड़े हुए कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के काले चिट्ठे भी खोल सकते हैं। दरअसल ये पूरा माजरा रशिया यूक्रेन युद्ध से पहले का है, जब जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के लैपटॉप से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे जिसमें यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए हंटर बाइडेन को रिश्वत देने तक की जानकारी थी। हालांकि उस समय ये डॉक्यूमेंट्स ट्विटर की लीगल हेड विजया गड्डे के हाथ में लग गए थे, तो इनका पर्दाफाश नहीं हो पाया क्योंकि विजया गड्डे हमेशा से ही जो बाइडेन की पार्टी को सपोर्ट करती आई हैं। लेकिन जब एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा तो ये सारी सीक्रेट फाइल्स का एक्सेस एलोन मस्क के पास आ गया।